हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे. ठीक है, और वेल्दी भी होंगे. आप हैप्पी भी हैं, हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं. इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग का स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं. ओके, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं किया है तो कर लीजिए. ठीक है, चलिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे. कल मैंने देखो इतनी देर तक ये नए जो है कीवर्ड्स बनाए हैं. ठीक है, इनसे भी देखूंगी. फिर मैंने लव मैसेज भी पूरे बनाए हैं. ये देखो, दिखाते हैं, ये देखो कितने सारे हैं लव मैसेज बनाए. ठीक है, ये बनाए, इसमें अल्फा इनमें से देखूंगी आज. ठीक है, चलिए आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, सॉरी, मेरे व्यूअर्स जो हैं जिस कनेक्शन में, लव कनेक्शन में, जिससे प्यार अनुभव करते हैं या प्यार है बहुत ज़्यादा, या वो चाहे कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे पास है या दूर है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए एक अफेक्शन, एक लव, एक केयर और एक उसको सोचना, ठीक है, उसके लिए दिन रात जो है उसको स्पाई करना. चलिए भगवान जी बताइए प्लीज, क्या मेरे व्यूवर्स जो हैं जहाँ पे भी उनका लव अफेक्शन अफेक्शन है, वो इंसान, देखिए ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती. जब आपके सामने पॉपअप होएगी तो आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है. विश्वास करके अपने पार्टनर को याद करें, उसका नाम लें, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करें और फिर कार्ड से क्वेश्चन करें कि हमें बताएं, तो टॉपिक आपको पता लग ही जाता है कि क्या आप एक इंटेंस कनेक्शन में हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं. देखने की कोशिश करते हैं, ये इतने कार्ड में मैं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन बताएं. ओके, एक कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके जी, देखिए चलिए और थोड़े कार्ड निकाल लूँ, फिर इकट्ठा ही बताऊंगी. प्लीज डिवाइन और कार्ड्स दें मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या मेरे व्यूअर्स जो है एक डिवाइन कनेक्शन में है, क्या इनका कनेक्शन जो है उस इंसान से जिसके बारे में ये इतना सोचते हैं, कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है. ओके, एक कार्ड और आ गया है हमारे पास, थ्री ऑफ कप्स. ओके जी, प्लीज डिवाइन बताएं. ओके, एक कार्ड और आ गया है. आवाजें आ रही हैं तो मैं उसके लिए माफी है, क्योंकि मेरा जैक पता नहीं क्या बातें कर रहा है और पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकाल रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें तीसरा कार्ड मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स का. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि शायद आप पास हैं या दूर हैं, ठीक है, या फिर आप 1 साल या 2 साल से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप इससे मैरिड हैं और इससे एक एक जस्टिस, एक क्लैरिटी का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. देखो यहाँ कई तरह के सिनेरियो हैं जो कार्ड के अकॉर्डिंग, 5 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ बॉटम में आया है स्टार. ओके, प्लीज डिवाइन हमें गाइड करें, एक कार्ड और दें कि ये व्यूअर्स का जो कनेक्शन है वो डिवाइन है, स्टार का कार्ड. चलिए अभी हम पहले इन कार्ड को पढ़ते हैं, फिर हम कंक्लूजन में निकलेंगे कि ये डिवाइन कनेक्शन है या कैसा कनेक्शन है जो भी इस इंसान से आप लोगों का है. ठीक है जी, सबसे पहली बात, यहाँ पे कार्ड हमें पहला कार्ड मिला था किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, चाहे ही है चाहे शी है, ये इंसान बड़ा, एक जैसे कहते नहीं अपने आप को ऐसे दिखाना कि ये बड़ा समय का पाबंद है, ठीक है, अपने आप को बड़ा टिप टॉप रखना, अच्छा वियर करना, मतलब कपड़े कपड़े अच्छे पहनना, ठीक है, और थोड़ा जैसे हो सकता है ये इंसान जिम वगैरह भी जाती हो या जाता हो, ठीक है, और अपने अपना ख्याल रखना, मतलब अपनी लुक आउटलुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ठीक है. और एक एक इस इंसान को एक ये हैबिट हो सकती है कि कोई भी, चाहे वो काम आपकी तरफ से हुआ है चाहे वो इसकी तरफ से हुआ है, श्रेय इसको खुद लेना है,
आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, अगर आपसे ये सब चीज़ें मैच करें तो रीडिंग आप देखेंगे तो आपको, देखो मुझे जो मैसेज मिलते हैं डिवाइन की तरफ से मैं बोलती जाती हूँ। अब यहाँ पे एक ये इंसान मुझे एग्रेशन में भी बहुत नज़र आ रहा है, हो सकता है आपका कोई मन मुटाव या आपने कुछ इसको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल दिया है जिस वजह से ये इंसान आपसे मतलब इसका दिल जो है खफा हो रहा है, और इसके अंदर एक गुस्से की, एक प्यार की, एक इनसिक्योरिटी की मिली जुली भावना है, ठीक है। करंट जो अगर हम इसकी सिचुएशन देखें, फाइव ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे कोई टू ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया, अभी लवर्स का कार्ड नहीं आया, आगे आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 100% आपका डिवाइन कनेक्शन ही है। क्योंकि देखो आप खुद भी इतने जो एक तरह से जैसे कहते हैं न्यायप्रिय है, और आप खुद भी अपने मतलब छोटे छोटे चीज़ें तो आपको लगता है कि आपकी डिग्निटी से बिलो हैं, आपने ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप नाजो नखरे आपके भी बहुत हैं और इस इंसान के तो हैं ही, ठीक है। तो ये इंसान जो है जैसा कि मैं बता रही थी, ये इंसान थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, इस इंसान को कहते हैं ना ओबे करना नहीं पसंद, मतलब हुक्म देना पसंद हो सकता है ये इंसान। और मैं क्या इसकी तरीफों में बातें कहूँ, मतलब ईगोइस्टिक भी कह सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि अब मुझे मैंने कैसे कहा कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन मैंने ऐसे कहा कि जैक प्लीज, इसलिए कहा मैंने आपको कि देखो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी है, मतलब कहने का मतलब एक इंसान जो आपको अपनी पूरी ईगो भी दिखा रहा है, अपनी चला रहा है और अपने अकॉर्डिंग जो है आपको चला रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके प्यार में हैं, फिर भी आप उसी के साथ ही खुशी महसूस करती हैं, फिर भी आप उसी के साथ उसके बिना अगर आप, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि आप लोगों में जैसा मैंने पहले बोला कुछ मनमुटाव हुआ है, आपने कुछ बोल दिया या उस इंसान ने बोल दिया, फिर भी आप उस इंसान के लिए ऐसे बैठे हैं कि अगर ये ना, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। देखिए ये होती है फोर ऑफ फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, एक उदासी की एनर्जी, कि एक इंसान जो अपने जीवन में और खुशियां, उस इंसान के अलावा जो और खुशियां उनको देखने को ही राजी नहीं है, मतलब ठीक है ना। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी होती है, तो आपको इस इंसान चाहे ये बहुत ज्यादा मस्कुलन, चाहे ये ही है चाहे शी है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी इस टाइप की है, लेकिन फिर भी आप इसका वेट कर रहे हैं, फिर भी आप इसका वेट कर रहे हैं, और एक वेट भी इस तरह से कर रहे हैं कि ये इंसान जो है कोई एक्शन लेगा, ठीक है, और ये इंसान जो है स्टक है, ये इंसान जो है मैरिड हो सकता है, ये आज तक इसने कोई जो बोल्ड डिसीजन इस रिश्ते इवन के मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने आपको क्लियर भी किया हो और कभी ऑनेस्टली जो है आपको आई लव यू भी बोला हो, ठीक है, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि ये इंसान पहले से आपको लेके जो है आप इसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप इसके लिए हमेशा एक, आपके लिए हमेशा ये इंसान डबल माइंडेड रहा है, ठीक है, कोई ये जो आपको मतलब एक तरह से जैसे हमेशा बात भी करनी तो बात भी कुछ छुपा के, ठीक है, कुछ हाइड करना और कुछ बताना, इस टाइप की एनर्जी है। देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को ही मुझे लगा था कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो आपको लगता है कि आप ये इंसान कितना भी कैसा भी है, इगोइस्टिक है, गुस्से वाला है, अपनी चलाता है, ठीक है, आपसे आज तक इस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिली है, जस्टिस नहीं मिला है, क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को सोच रहे हो, आपको लगता है कभी कभी तो आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान ने आप पे कुछ जादू कर दिया, एक ऑब्सेशन है आपको, आप उसके प्यार में खुद को बंधा हुआ पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल 100% ये सॉरी कुछ लोगों के केसेस में सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। देखिए अगर दो आप दोनों इंसान एक ही सोच में होते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा क्योंकि ये रिश्ता आपका 2 साल पुराना हो सकता है, तो 2 साल में एक इंसान फोन की दुनिया में बहुत कुछ पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये इंसान जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सोच रहा होता है, मतलब कई बार एकदम से डेलिब्रेटली इसका कोई फोन आता है या जैसे रैंडमली कभी फोन आ गया तो आपने उसको फोन पे बात की तो आपको लगा कि वही चीजें मैं सोच रही थी और वही ये जो है बोल रहा है मेरा पार्टनर, ठीक है।
तो ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है जी। देखो मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ, और अगर ये इंसान ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, और आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है जी। और आप इस इंसान को, चाहे आपकी लड़ाई हुई है, चाहे आपका प्यार हुआ है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, चाहे आप कांटेक्ट में है, आप इस इंसान को भूल ही नहीं पाते, तो ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहां मुझे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को फील कर, यहां पे बॉटम में आया स्टार का कार्ड। देखिए ना, ये इंसान ऐसा है कि कोई हूर का पराई है, लेकिन ये आपको जो है हमेशा से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो भी आपका पार्टनर है, आप इसी के लिए प्रेयर करते हैं। देखिए ये लड़की कैसे प्रेयर कर रही है, आप इसी इंसान के लिए प्रेयर करते हैं, इसी को मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं यही दुआ मांगते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो है, प्लीज भगवान जी, ये अगर आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और कोई केस कूस चल रहा है या अलग होने का कोई हुआ है, तो आप प्रेयर कर रहे हैं कि आप मिल जाएं, लड़ाई झगड़ा जो है समाप्त हो जाए, जो भी ये केस है वापस ले ले, ऐसा कहीं का ये कुछ लोगों का सिनेरियो है, आप अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। चाहे कितनी भी जो ये जो एक कंडीशन जो है अच्छी नहीं भी है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप अलग होना नहीं चाहते, ठीक है। ये भी देखो मन ही मन, चाहे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये इंसान आज भी आपकी वेट कर रहा है, ठीक है, आज ये भी आपकी वेट कर रहा है, चाहे ये आपसे सात समुद्र पार भी रहता हो, चाहे किसी दूसरी सिटी में रहता हो, तब भी ये इंसान आपका वेट करता है, चाहे शो करता है चाहे नहीं करता। देखिए क्योंकि इगोइस्टिक है, देखिए सन का जो ये सॉरी स्टार का कार्ड आके हमें मिसिंग एनर्जी को भी बता रहा है कि ये इंसान चाहे आपसे नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है तो इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाह रहा है, ठीक है जी। पेज ऑफ सॉर्ड, आपसे बात करना चाह रहा है, आपके ऊपर इसकी पूरी नजर है, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, देखिए सोलमेट का कार्ड आ गया ना, टू ऑफ कप्स, तो 100% ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें आप प्यार एक दूसरे के लिए, आपको पता है चाहे आपकी कितनी भी लड़ाई हो, आपको पता है कि प्यार जो है हमारा म्यूचुअल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है ना, कई बार बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिल्कुल ही बात तक भी नहीं होती आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं ना, टू ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड, के पहले ही उसको लगता है कि वो दोराहे पे खड़ा है, और आपने अब कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बांध ली, अब आपने कहा है भगवान पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। हो भी सकता है किसी, कई कई लोगों के केसेस में तो कट थ्रोट, इस इंसान ने आपको टाटा बाय बाय भी कह दिया हो, या आपने इसको कह दिया हो कि तू अपने घर रह और मैं अपने घर, राम राम सत सत, ठीक है, लेकिन अभी भी आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपका डिवाइन कनेक्शन है। ऐसे में आपको कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान से आपका कॉन्टैक्ट दोबारा हो, ठीक है, ये आपकी लाइफ में फिर से आपसे बातचीत अच्छी हो जाए या रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आप इस इंसान को याद करके इसके लिए प्रेयर करें, जब भी ये याद आता है कि ये जहां भी हो वहां खुश रहे, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि लेट गो करना, लेट गो तो चलो साथ रहते भी किया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि अब आप किसी, अब इस इंसान को दोबारा से मौका नहीं देंगे, अगर ये आता भी है तो फिर आप जाने, ठीक है, आपका दिल जाने, वो आपका डिसीजन है। चलिए भगवान जी, तो काफ़ी कुछ हमें मिल गया है कि ये डिवाइन कनेक्शन ही है, और आपको अपने पार्टनर की करंट एनर्जी भी पता लग गई है कि क्या है करंटली। करंटली देखो ये इंसान, आपको लग रहा है कि ये जो है, ये इंसान थर्ड पार्टी में है, इसमें कोई वो नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के केसेस में नहीं है, कुछ लोगों की, ये इंसान आपसे ही मिलके जो है चीयर करना चाहता है, एक हैप्पी टाइम एक स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, कुछ केसेस में जहां थर्ड पार्टी है वहां पे ये इंसान जो है, जहां पे स्पेशली थर्ड पार्टी, अब देखो आपका केस है, आपको ही पता होगा ना कि आपके पार्टनर के और या आपकी लाइफ में कोई तीसरा है या नहीं, अगर नहीं है तो ये इंसान जो है आपके साथ खुशी मनाना चाहता है, आपके आपको मिलना चाहता है, ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट को खत्म करना चाहता है। अब यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स आया है, ठीक है, दूरी को खत्म करना चाहता है इन दिनों, ये इंसान आपको लेके काफी पैशन, काफी लस्ट कह लो, पैशन कह लो, प्यार कह लो, ठीक है, अट्रैक्शन जो है इसको बहुत ज्यादा आपकी तरफ हो रहा है। अगेन टावर का कार्ड, तो अधिकतर लोग जो है नो कॉन्टैक्ट में है,
या फिर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपने या इस इंसान ने आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। कोई केस कुछ चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं जिनका कोई केस कुछ चल रहा है, लेकिन इन दिनों ये इंसान आपको जो है बड़े हाई लाइट में देख रहा है, ठीक है। और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंटली क्या सोच रहा है ये इंसान। देखिए, चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, इसका दिल चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। देख लीजिए, सिक्स ऑफ पांटिकल और टेम्परेंस का कार्ड आके मुझे दिखा रहे हैं कि ये इंसान चाहता है कि चाहे इसको थोड़ा अपनी ईगो को झुकाना ही पड़े, लेकिन ये इंसान जो है आपके साथ ऐसा नहीं है कि फेयर नहीं करना चाहता, कि आपको क्लियरेंस नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ प्यार जो है म्यूचुअल है। तो चाहता है ये इंसान, देखो टेम्परेंस का कार्ड आ गया, तो मैंने बोला था कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पास्ट में अगर इस इंसान से कुछ गलतियां भी हुई हैं, अगर गलतियां ना हुई होती तो यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड और फाइव ऑफ कप्स का कार्ड ना होता। तो अगर पास्ट में ऐसा कुछ इससे कोई गलती हुई है, तो ये चाहता है इंसान बैलेंस लाना और एक इक्वल गिव एंड टेक करना आपके साथ, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि ये कब जो है, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये श्रीमान या श्रीमती जी कब तक जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लीज डिवाइन हमें गाइड करें। आज बस इतना ही लेंगे और फिर अपनी रीडिंग को पूर्ण विराम। देखिए, जल्दी ही आप इससे मिलने जाओगे या ये आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक मूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम में भी एक्शन का नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। काफ़ी इसको अट्रैक्शन हो रहा है आपको मिलने का, मिसिंग एनर्जी है, जैसे कि स्टार का कार्ड आया था, तो ये चाह रहा है खुद भी इंसान आपको मिलना, ठीक है। मिल के जो भी आप लोगों में नाराजगी है तो नाराजगी को ख़त्म करना, ठीक है जी। चलिए, अब हमने इतने सारे कल मैसेज बनाए थे तो उसमें से भी कुछ लेते हैं। चलिए, ये कीवर्ड्स हैं, इसमें देखते हैं क्या आता है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें आपकी मेरे व्यूअर्स की, प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन से मैच खाते हुए क्या, हस्बैंड, देखा मैंने बोला ना कि ये इंसान आपका हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर आपका कमिंग हस्बैंड हो सकता है, या आप चाहते हैं कि ये इंसान आपका पति बने या पत्नी बने, ठीक है। व्हाट्सएप देखिए, हो सकता है आप लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे का स्टेटस चेक करते हैं। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, डिसगस्ट, देखिए डिसगस्टिंग का कार्ड आया, तो हो सकता है आपका पार्टनर, कई बार आपको लगता है कि इसकी बचकानी हरकतें या इसकी ईगो का दिखाना, अपनी अकड़ में रहना, अपनी बात को मनवाना, कई बार आपको ऐसा लगता है, आपको हंसी आती है ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। चलिए, एटीट्यूड, किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो एटीट्यूड तो है ही, एटीट्यूड आपका भी है और आपके पार्टनर का भी है। और बताएं, तो यहाँ एटीट्यूड के चलते ही आप लोगों में कोई ना कोई मन मुटाव हुआ है। इलनेस, यहाँ पे कोई बीमार हो सकता है, आप हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई बीमार हो सकता है। सैड, देखिए एट ऑफ कप से ही पता लग रहा है, फाइव ऑफ कप्स और ये एट ऑफ स्वॉर्ड की सैड एनर्जी है यहाँ पे। मैरिड, आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है, या दोनों मैरिड हैं, या फिर दोनों एक मैरिड है एक डाइवोर्सी है, इस टाइप का सिनेरियो लग रहा है। चलिए बताए और भगवान जी कुछ और मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड उनकी लव लाइफ में। टेक केयर, आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, ज़्यादा इस रिश्ते पे फोकस ना करें, क्योंकि जिस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाते हैं या ध्यान देते हैं, वो चीज़ें जो हैं और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। तो भगवान पे छोड़ें और आंखों पे पट्टी बांध लें, अगर सही हुआ है तो भी, अगर गलत हुआ है तो भी। सही हुआ है तो अपने आप ही चीज़ें सही हो जाएंगी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अब इसमें से मैं लव मैसेज लेती हूँ कि क्या ये श्रीमान या श्रीमती जी जो आपके प्यार के काबिल हैं, आपको क्या मैसेज देते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखो मुझे गाना चैनल हो रहा है, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा
साथ रहे। सुनिएगा ये गाना, चैनल हुआ है। देखिए मैसेज आया आपके पार्टनर का, क्या बार बार मैसेज करना, पल पल की खबर लेना ये प्यार है? मैं तुमसे पूछता हूँ। देखिए अब आप इसकी टोन ही देखें कितने ईगोइस्टिक पर्सन, जैसा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, तो आपका पार्टनर कह रहा है क्या यही प्यार है क्या, बार बार मैसेज करना या ये पूछना तुमने बाबू सोना रोटी खा ली, खाना खा लिया, पानी पी लिया, सो गए तुम उठ गए, ये क्या यही प्यार है आपका पार्टनर? आप हो सकता है आप ऐसा करते हो या ये ऐसा करता है, आपके पार्टनर का मैसेज है भाई, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है ओके जी। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी दूर मत जाना, तुम्हारे सामने कहूँ या ना कहूँ पर प्यार बहुत है तुमसे, शायद तुम मेरे जेस्चर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें पढ़ना भूल जाती हो। अरे वाह क्या बात है। देखिए आपका पार्टनर आपको कितना अच्छा, अब इसी से पता लग सकता है कि प्यार जो है शब्दों से नहीं आंखों से बयान होता है आपके पार्टनर का। तो अगली बार जब भी मिलिएगा तो जेस्चर के अलावा इनकी आंखें पढ़िएगा। ठीक है जी। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी दूर मत जाना, तुम्हारे सामने कहूँ या ना कहूँ। हो सकता है ये इंसान आपको कभी, जैसा कि मैंने पहले अपने जब रीडिंग कर ही रही थी कि इस इंसान ने शायद ही आपको कभी आई लव यू बोला हो। तुम्हारे सामने कहूँ या ना कहूँ पर प्यार बहुत है तुमसे, शायद तुम मेरे जेस्चर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें पढ़ना भूल जाती हो। तो ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, एक और लूँगी बस। कभी खुद भी कॉल मैसेज करके देख लिया करो, मैं मर गई या मर गया, जिंदा हूँ, लापरवाह नहीं, नाटक करती हो लापरवाही का। देख लीजिए अब ये गिला भी कर रहे हैं तो उसमें भी एटीट्यूड झलक रहा है कि कभी खुद भी कॉल मैसेज करके देख लिया करो कि मर गया, मर गई या जिंदा हूँ, लापरवाह नहीं, नाटक करती हो लापरवाही का। ठीक है जी। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम लापरवाह नहीं हो लेकिन नाटक करती हो मेरी तरफ लापरवाही का। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है अच्छी लगती है वैसे, कोई एक किसी किसी को नहीं भी अच्छी लगती होगी, पता नहीं कुछ बोलते नहीं होंगे। तो चलिए ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ये थी आप लोगों की जनरल रीडिंग और करंट एनर्जी। अगर आपको ज़्यादा ही क्लियरेंस में आंसर चाहिए तो आप जैसे भी अब देखें आपने क्या करना है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, आप ले सकते हैं। ठीक है चलिए ओके, टेक केयर, बाय।